PSO पेट्रोल पंप अठावा, जो कि बिल्कुल रॉयल पाम सिटी के बिल्कुल साथ है। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया कि आज रात 12 बजे के बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पर लीटर जो है वो 30 रुपीस जो है वो चार्ज होंगे। तो अभी मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ PSO के, तो वहाँ की आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन है पेट्रोल पंप की वो क्या है। मेरे ख्याल से सब लोगों को अभी पता चला है कि पेट्रोल एकदम जो है वो 30 रुपये जो इंक्रीज होने लगा है। 150 का पेट्रोल है इस टाइम, और जो 12 बजे के बाद वो सीधा सीधा जो कि PML की गवर्नमेंट है इस टाइम, और वो 30 रुपये इंक्रीज कर रही है। ये देखें पेट्रोल पंप की कंडीशन, देखें इस टाइम पेट्रोल पंप की कंडीशन क्या है। PSO पेट्रोल पंप अठावा, जो कि बिल्कुल रॉयल पाम सिटी के बिल्कुल साथ है। ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम बाय टाइम जो है रश वो इंक्रीज हुई जा रहा है। सब लोग जिस चीज़ को पता चल रहा है कि एकदम ही 30 रुपये इंक्रीज हो जाना है, तो पेट्रोल पंपों पे रश शुरू हो गया। ये तो अभी एक पेट्रोल पंप है, बाकी पेट्रोल पंपों पे पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ जी शिदादे, क्या टाइम हुआ अभी, और ये कौन सी जगह है? और क्या हाल है भाई? भाई बुरा ही हाल है। इस टाइम तकरीबन 11:45 का टाइम हुआ है, और आज डेट क्या है? 26 मई। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 30 रुपया पर लीटर तेल की प्राइस इंक्रीज कर दी है, जो कि IMF ने शर्त रखी थी कि वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी, जो हमने जो कर्ज लिया हुआ है उसकी जो किस्त थी, वो तब मिलेगी जब कि आप ये 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज करेंगे। मैंने तो अपना पेट्रोल की टैंक फुल करवा ली है। अभी जो वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, और जिन जिन को तो न्यूज़ जिन्होंने देख ली है या जिनके व्हाट्सएप पे या कॉल पे किसी ने बता दिया है, वो लोग तो आ गए हैं अपनी पेट्रोल टैंक फुल करवाने के लिए। और जिनको भी नहीं पता, जो सोए हुए हैं, वो जब सुबह देखेंगे कि एकदम जो प्राइस है वो तकरीबन जो है 30 रुपये इंक्रीज कर गए हैं। इससे जो है जो महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, और जो मिडिल क्लास वाले हैं बेसिकली उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करते, ताकि क्योंकि ऑलरेडी महंगाई जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और डॉलर रेट भी आपको पता है 200+ इंक्रीज़ कर गया है, और अब पेट्रोल की कीमत में भी एकदम 30 रुपये का इजाफा होगा, और ये पाकिस्तान की मैशियत के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मजीद अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।